देखती हैं आपको सुनते कान व्हाट्सअप का मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी सारे वोट देने जा रहे हैं वो भी ट्रालियों पे बैठ के। तो हमने सोचा क्यों ना कि हम भी जाके ना वोट दें। हर कोई जा रहा था ट्रालियों पे बैठ के, कोई कहीं कोई कहीं। हमने सोचा चले हम भी चाहे दे आते हैं। ये देखें जी हमारे मुल्क की खूबसूरती, ये देखें, ये देखें जी। यहाँ हम लोग ने गाड़ी रोकी, हस्बैंड साहब कहते हैं मैं ज़रा कब्रिस्तान का चक्कर लगाऊँ, आप लोग यहाँ पे रुको, मैं अभी आया। मैंने कहा चलें ठीक है आप जाएँ, हम ज़रा थोड़ी सी तस्वीर कशी कर लें। तो ये देखें जी नीचे तो यहाँ से मैं नहीं उतरी थी, वहाँ मैं नहीं गई कि क्या पता कुत्ते ना बैठे हों। ये देखें जी ये हम लोगों की साइड पे पक्की नहर, इसको हम लोग पक्की नहर कहते हैं, ये बिल्कुल पक्की है। ये देखें जी नहर, ये जब फुल होती है ना तो बिल्कुल ये जो ईंटें नज़र आ रही हैं ना इससे भी ऊपर होता है पानी। अब तो सूखी हुई थी ना तो इसलिए इतना पानी नहीं था। ये देखें, मैंने सोचा इसको कैमरे में कैच कर लूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें जी ये खूबसूरती है हमारी सिटी की। ये देखें जी सब्ज़ा ही सब्ज़ा। और ये है हम लोगों की कच्ची नहर, ये जो साइड है ना इसके ऊपर लोगों ने अपने जानवर बांध रखे हैं। ये नहर सूखी हुई थी, नीचे तो मैं भी नहीं उतरी थी यहाँ से कि क्या पता इन जानवरों वालों के वो हों कुत्ते हो और देख के पीछे ना पड़ जाएं और मैं भाग भी नहीं पाऊँगी। यहीं से बना ली। सूखी हुई थी, पानी बहुत कम था लेकिन था सही। उसके बाद जी हम लोग गाड़ी में बैठे और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जी हमने हाजी रशीद का सोनल वालिया न्यू बेबी के लिए गिफ्ट्स लिए। और ये देखें अफीफा मैडम जो है ना मास्क लगा के बैठी, क्या मजाल है इसने उतारा। जब ये वाली जगह आती है ना बड़े खुश होते हैं, शुक्र है हम पहुंच गए। ये देखें जी आवाम का रश चेक करें, आवाम जो है ना वोट डालने में बहुत ज़्यादा बिज़ी। और तो ट्रालियाँ भी भर भर के जा रही थी। और ये देखें जी यहाँ पे हमने भी वोट डाला और उसके बाद जी हम गए गुलजार सादिक। यहाँ बच्चों ने झूले लिए, काफ़ी रश था वहाँ पे भी। और तो और लड़कियाँ क्या लड़के क्या ऊपर बैठ जाते हैं फिर इतनी ज़ोर की चीखें मारनी होती हैं, वो जबना कि बंदा उनसे पूछे अगर चीखें ही मारनी थी तो फिर बैठे क्यों। ये देखें जी इतनी चीखें, इतनी हद से भी ज़्यादा। खैर मैंने बच्चों को यहाँ पे तो नहीं बैठाया था, बस इस झूले पे बैठा दिया था कि बच्चों यहाँ से खा लो झूले। मुझे ये था कि बच्चे डरेंगे लेकिन नहीं, बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरे, ऐसे बैठे होंगे जैसे इनके अपने घर के हैं। घर वाले भी झूले थे कहते नहीं हमने ये नहीं लेने, ये तो हमारे घर में है पड़े। ये देखें अफीफा मैडम तो बिल्कुल भी नहीं हिली। मुझे इतना था कि मैं डरी जा रही हूँ कि ये रोएगी रोएगी, मैं यहाँ से इसको पकड़ लूँगी, लेकिन नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हिली, जम के बैठी रही। और किसी झूले की बारी भी इसने ये नहीं कहा कि मैंने इस पे नहीं बैठना मुझे डर लगता है या कुछ। एक झूले से उतरे दूसरे झूले पर जाएँगे, बाबा अब हमने ये वाले लेने हैं, पापा हमें यहाँ पर ले चलें। ये मोहम्मद साहब बैठे हैं,
उसके बाद जी ये वाले बाबा हमने गाड़ियों पे भी बैठना है, ये जी गाड़ियों पे भी बैठे, मुझे कहें कि तुम आप भी आ जाओ मामा आप भी आ जाओ। मैंने कहा ना अभी मुझे तो वैसे ही इतना दिल ख़राब हो रहा था, खाना खा के गए थे तो मुझे बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। मैंने कहा नहीं मुझे तो वोमिटिंग शुरू हो जाएंगी, मैं नहीं जाती। बच्चे इतने मस्त इतने खुश के हद से भी ज़्यादा, और उनको देख देख के हम लोग खुश। माहौल अच्छा था, कोई अफरा तफरी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस हर कोई अपनी मस्ती में मस्त था। और बच्चे इतने खुश कि हमें देख ही ना अपनी, हम इतना वो कर रहे हों कि बच्चे भी देखेंगे कि मम्मा उतारे हैं, लेकिन नहीं, उनको तो याद भी नहीं था कि मम्मा साथ हैं अभी सही कि नहीं। बच्चों ने झूले लिए, उसके बाद मैंने इनसे कहा कि बेटा आप घर चलते हैं, सर्दी हो रही है, मगरिब हो चुकी थी, लेकिन नहीं जी बच्चे कहाँ जो मान जाएं। बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया कि बेटा नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे ना तो फिर यहाँ काफ़ी देर रुकेंगे, अब चलते हैं ठंड लग रही है। लेकिन बच्चे यहाँ से उतरे, हमने तो आइसक्रीम खानी है, इतनी मुश्किल से राज़ी किया। फिर हम यहाँ पेट्रोल पंप पे आए, यहाँ पे हमने पेट्रोल डलवाया, यहाँ पे भालू साहब खड़े थे, ये देखें। बच्चे बोले पापा इनको पैसे क्यों देते हैं, वो कहते बेटा ये लोग मेहनत ही इतनी करते हैं। और जी रस्ते में मिले हमें गजरे वाले, गजरे देखें और फीमेल ले ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखें जी हमने यहाँ से गजरे लिए और हम रवाना दवा हुए घर को। और इसके बाद जी हम लोग मिले न्यू मेहमान से, जिसको हम मिलने गए थे। ये नवाब साहब गोदी में मेरी बैठे हो और दोस्ती मामू से कर रखी हो। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद आपके लिए कोई न्यू वीडियो व्लॉग के आऊँगी। तो प्लीज़ अगर आप पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।